السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الأذو मुतफ़न अलई बुख़ारी इससे पहले के दर्स में हम किताब तहारा के बब नवाक़ुलवू की इब्तदा कर चुके थे और दो हदीस हम पढ़े थे जिसमें पहली हदीस में ये पता चला था कि नौम कसीर या नौम मुस्तरक या नौम अमीक गहरी नींद ये नाक़ वजू है दूसरी हदीस से हमें यह पता चला था कि इस का खून नाकिज़े वज़ू है आज ये तीसरी हदीस पढ़ रहे हैं हम इसके रावी अली रज़ी हैं। इस हदीस का मफूम यह है कि मजी नाकिज़े वज़ू है मजी नाकिज़े वजू है अली बिन अबी तालिम। क्या इनकी खसूसियत है पातः खैबर और कोई खसूसियत खलीफा खलीफ़े चहारुम चौथे खलीफ़ा इस्लाम के चौथे खलीफ़ा और दामाद रसूल अल्लाह के रसूल हाँ पहले इस्लाम लाने वालों में से पहले इस्लाम लाने वाले नहीं पहले इस्लाम लाने वालों में से क्योंकि पहले इस्लाम लाने वाले कौन हैं हज़रत खदीजा रजी अल्लाह क्योंकि जब आके बताया अल्लाह के रसूल ने कि ऐसा ऐसा हुआ है तो सबसे पहले वो आपकी बात की तस्दीक करती हैं और अल्लाह के रसूल जब कहते हैं मुझे अपनी जान का डर लगता है तो तसली देती हैं कल्ला ला व्ला ला यू कल्ला उबदा नहीं ऐसा नहीं होगा अल्लाह आपको रसुआ नहीं करता है आप नेक काम करते हैं इकल्ला तहसलरम तुस्सेबमादूम व व तहमलकल लोगों के काम आते हैं बेसहारों के काम आते हैं लोगों के बोझ उठा लेते हैं तो ये जो नेक उस बयान किए हजरत खदीजा रजी अल्ला ने और लेकर गईं वर्का बिन नौफ़ल के पास वर्का बिन नौफ़ल ने क्या कहा था कि ये तो वही नामूस है जो मूसा के पास आया करता था काश कि मैं ज़िंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी तो अल्लाह कर्सुल ने तजब से पूछा था अब मुखरिजी य हम क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे तो वर्का ने कहा था हाँ इससे पहले ऐसा होता रहा कि आप जैसी दावत जो भी नबी लेकर आया तो उसकी कौम ने उसकी मुखालफत की हाँ अभी असल हदीस पर आते हैं अली भी नबी अल्लाह रजील्न से रवायत है ल वह कहते हैं कं तो रजुलजान मैं ऐसा आदमी था जिसे कसरत से मजे आती थी कसरत से मजे आती थी मजान ये से गयालगा है से गए मुबालगा है व अमरतलमकद मैंने मकदाद को हुक्म दिया कि अयस नबी कि वो सवाल करें नबी करीम सल्ला व्म से क्यों सवाल डायरेक्ट नहीं किया अल्लाह के रसूल के दामाद थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा आपकी की जोजियत में थी इतना क्लोज़ रिश्ता करीबी रिश्ता आपको शर्म आई ये मसला डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से पूछने में तो मिगदाद को हुक्म दिया कि मिगदाद आप अल्लाह के रसूल से पूछिए फसा लहू तो मिगदाद ने उनसे पूछा किन से अल्लाह के रसूल से फ़काल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ीहिल उजू इसमें वज़ू है मजी के खरूज से उजू वाजिब होगा यानी मजी के निकलने से उजू टूट जाएगा मजी नाकिज उजू है इसमें अल्लाह के रसूल का कलाम क्या है पूरी हदीस में पीहिल उजू ये हदीस कौली की या फैली? कौली हदीस सिर्फ फीहिल उजू ये अल्लाह के रसूल का कलाम है पूरा वाक्य अल्लाह के रसूल से पूछने का हुक्म हजरत अली ने किन को दिया मिकदाद को मिकदाद ने पूछा तो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया वजू क़ौली हदीस मुतफ़न यह हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है और लफज बुखारी अल्फाज बुखारी के हैं कुछ अल्फाज में इख्तलाफ होता है कुछ इजाफ़ा होता है तो उसकी सराहत कर दिए हदीस मुतफ़ अल है मुतफ़ अल का मतलब दोनों बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस है रावी दोनों के एक होनी चाहिए अगर रावी मुख्तलफ़ हो गए तो फिर वो नहीं अलग फिर नंबर बढ़ जाएगा काउंटिंग बढ़ जाएगी दूसरे हदीस का नंबर बढ़ जाएगा रावी अगर एक नहीं हुए तो दो मुख्तलिफ हदीस हो जाएंगी एक हदीस नहीं होगी ठीक है हदीस समझ में आई हाँ फ़वाद लिख लीजिए सबसे अहम फायदा बाब के तहत कि मज़ी नाकिजे वज़ू है मज़ी नाकिजे वज़ू है हाँ अगला फ़ायदा सवाल बनाने के लिए सवाल पूछने के लिए वकील बनाना सवाल पूछने के लिए वकील बनाना एक ऐसे समझ में आया कोई भी जो सवाल है आदमी किसी वजह से आलिम से नहीं पूछ सकता चाहे वहाँ तक रसाई नहीं है या जो भी वजह हो तो किसी दूसरे को वकील बना सकता है अपना नायब बना सकता है वो आलिम से सवाल पूछ ले। अगला फ़ायदा हजरत हजरत अली अली रजिया हज़रतली रजियाल्ला के शर्म हया का बयान हज़रत अली रजियाल्ला के शर्म हया का बयान वरना खलीफ़ा खलफा अरबा में जो खलीफ़ा हया में शर्म में मशहूर कौन है हज़रतमान रज़ी हजरत ऊस्मान रज़ी के बारे में जो मशहूर हदीस है अला इस मिन रजुलिन तस्ती मीनमलाय का क्या मैं उस आदमी से शर्म ना करूं, जिसे फरिश्ते शर्म करते हैं लेकिन इस हदीस से हजरत रजील् के शर्म का पता चलता है क्योंकि हज़रतली रजी लनुने डायरेक्ट सवाल नहीं किया बल्कि सवाल करने के लिए मकदार को हुक्म दिया ये तीन अहम वाज मसले हैं बाकी जो वाज मसला था वो कि वज़ू वाजिब मजी से वज़ू वाजिब होता है मज़ी नाक़ वज़ू है कुछ पूछना है इस हदीस में हाँ अगली हदीस पढ़िए माशा नबीमा अखरजारीदीस की रावया आयशा रजी क्या खसूसियत इनकी सबसे ज्यादा हदीसों की रावया औरतों में सबसे ज्यादा हदीस की हदीस को रवायत करने वाली अमायशा रज़ी उन्ह और कोई ख़ूबी दूसरी इनकी बारात अल्लाह ने कुरान में नादिल की किस सूरत में सोरे नूर में और मोमिनों की माह तमाम मोमिनीन यानी अल्लाह के रसूल की, की तमाम बीवियाँ मोमिनीन हैं वह अजवा जो हूँ उम महत अल्लाह के रसूल की सबसे महबूब बीवी जिनके घर में जिनकी बारी में आप सला वसम का इंतकाल हुआ अनन नबी अलैहि व् कब्बला बाज़ नसाही कब्बला कब्बिलो बोसा लेना आपल्म ने बोसा लिया बाज़ नसाही अपनी बाज बीवियों का खारजा फिर आप निकले नमाज के लिए वलम यह तोज़ा वज़ू नहीं किया हदीस का मफ़ूम क्या है आप सल्लम ने अपनी किसी बीवी का बोसा लिया फिर आपने बग़ैर वज़ू की नमाज़ पढ़ी हदीस का मफह क्या हुआ कि औरत का चूना नाक़ वज़ू नहीं है औरत का छूना नाक़ वजू नहीं इस हदीस की तखरीज इमाम अहमद ने अपनी किताब मुसनद अहमद में की है इमाम बुखारी ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है लेकिन इस मफ़ूम की बुखारी की एक वाज रवायत है जिसका मफहम है कि आ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप् क़्यामलैल करते तहज्जुद पढ़ते अपने घर में और आपका कमरा बहुत छोटा था अम्मा अमायशा आपके किबले की जानिब सोई होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अपने हाथ से इशारा करते अम आशा अपना पैर समेट लेती फिर आप जब खड़े होते अपना पैर अमशा फै, फैला लेती हदीस के अल्फाज में फ़ैदा सजदा गमनी बब तो रिजली आप जब हाथ से इशारा करते मुझे तो मैं अपने पैर समेट लेती वज़ा कामा बसत तो हमा और जब आप खड़े होते तो मैं अपने पाँव दोबारा फैला लेती कालत वलबजूत योम दिन लफिया मसाबी उन दिनों घरों में चिराग नहीं हुआ करते थे तो आप वसल्लम हाथ से इशारा करते अमायशा को और अमाशा अपना पैर समेट लेती तो ये टच हुआ लम्स हुआ जो वाज दलील है कि औरत का छूना नाकद वजू नहीं है क्योंकि बाद उलमा इस जानब गए हैं कि औरत का छूना नाक़ वजू है इसलिए यह हदीस और दूसरी हदीस जो बुखारी में वजाहत के साथ है क्यामल में आप वसल्लम का जो अमल था वो वाज दलील है कि लम्सलमरा या मसुलमरा यानी औरत का छूना यह नाक़ वजू नहीं है अगली हदीस जो हम पढ़ने जा रहे हैं हाँ। इसमें अहम फ़ायदा ये है कि औरत का चूना नाक़ वज़ू नहीं है लेकिन जो कि हम नवाकिज का बाप पढ़ रहे हैं इसलिए कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं है हाँ अगली हदीस अबू हरे रज़ी की है अबी हरेरत रजी कल कल रसोल सल्ला वम इज़ा वजह कुम फ़ीबत ही शैया फाशक अखर जमीन फलाजिदी इसी मफहम की एक और हदीस बाब के अखीर में आएगी मफहम यह हदीस का आदमी को जब पेट में कोई इश्काल हो हजमे की खराबी या जो आखिर में हदीस आएगी उसमें कि शैतान पाईने के रास्ते से फूकता है इंसान के और वसवसा दिलाता है उसका वजू टूट गया तो जब ऐसी कैफियत हो तो आदमी मस्जिद ना छोड़े जब तक बदबू महसूस ना करे या आवाज़ ना सुने जब तक बदबू महसूस ना करे या आवाज़ ना सुने इसी मफहम की हदीस आखिर में आएगी हदीस में कहा गया आखिर में हत्ता यस्मा सोतान अव यजेद रिहन हदीस का तर्जुमा करते हैं उसके बाद चंद फौदर हैं हदीस के रवि अबू हरे रजील क्या खसूसियत इनकी सबसे ज्यादा हदीसों को रवायत करने वाले दूसरी चीज आप देखेंगे अबू हरे रजी अल्लाह उन्हों का जो मुद्दत जो टाइम थी आप के साथ रहने की वो मुद्दत बहुत कम है कितना है तीन साल से चार साल ज्यादा से ज्यादा यानी चार साल नहीं होगा पूरा तीन से चार साल लेकिन इस मुद्दत में इतनी हदीसें इन्होंने याद कर ली इतनी हदीसें याद कर ली कि जो सबकिन थे जो साव़गीन, आ, साव़गीन थे जो पहले इस्लाम लाने वाले थे मक्क, मक्की जिंदगी से आपके साथ थे उन लोगों से इतनी रिवायतें नहीं आई क्यों सबसे ज्यादा जब से इस्लाम लाए ला आपको आप चिमटे रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए खसूसी दुआ की थी और सब कुछ छोड़ कर ए, सुफा में से हो गए थे किसी चीज से मतलब नहीं सिर्फ हदीसों आप सिर्फों के हदीसों को महफूज करना और बाद वालों को सुनाना वरना आप देखें कि मनतकी तौर पर जो साहब कराम पहले ही मान लाए उनसे ज्यादा हदीसें मरवी रवायत करनी चाहिए उनको लेकिन अबू हरेरा की जो मुद्दत है आप वसल्लम के साथ रहने की तीन से चार साल लेकिन सबसे ज्यादा हदीसों को कर रवायत करने वाले अभी हो रहे वा वजदाजो माना पाना जब पाए आहादोकुम तुम्हें का कोई फी बत नहीं अपने पेट में शैन कुछ इश्काल उसको कि पेट में कुछ है तकलीफ हवा खारिज हुई या नहीं खारिज हुई फाशकाल अलह उसको मुश्किल पेश आए वस वसा आ रहा है शैतान की तरफ से तुम्हारा वजू टूट गया या नहीं टूटा अखरा ज मिन शयन अमला हमजा है सवालिया क्या निकली उससे शयून कोई चीज़ या नहीं पेट से कोई चीज़ खारिज हुई हवा खारिज हुई या नहीं ये इश्काल है ये वसवसा है शैतान की जानब से या हजमे की खराबी भी हो सकती है फला यखरोजन मस्जिद ये देखिए सिर्फ न ही नहीं है न ही के साथ है नून जो लगा हुआ फलाखरोना में उसको क्या कहते हैं नून ने नू सकीला कहते हैं नून ताक़द की भी दो किस्में कहते हैं फिर सर्फ़ में एक सकीला और एक खफीफा सकीला जो तशदीद वाला है तो ये सकीला है एक खफीफा होता है जो साकिन होता है तो ये नू ने सकीला है फला या खरोजन्ना तो हरगज़ मस्जिद से ना निकले लफ्जी तरज़ो हम क्या करेंगे फ़लाह या खरोजन्ना मिदल मस्जिद तो ऐसी सूरत में मस्जिद से हरगज़ ना निकले मस्जिद ना छोड़े कब छोड़ेगा हता यहां तक की यशमा सौतन आवाज सुने कुल यकीन हो जाए कि हवा खारिज हुई रिहन या बदबू महसूस करे हदीस का मफूम क्या कोई भाई बताएंगे हाँ वसवसे के बिना पर नमाज नहीं तोड़ना है ना तो मस्जिद छोड़ना है हाँ 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 आवाज़ या बदबू आवाज़ या बदबू वहाँ से इसी मफहम की एक हदीस आख़िर में आएगी इस हदीस का सबसे अहम फ़ायदा है कि यकीन शक से झायल नहीं होता ये फ़ायदा आप लिख लीजिए यकीन शक से झायल नहीं होता झायल नहीं होता ख़त्म नहीं होता यकीन शक से ख़त्म नहीं होता है यकीन क्या है इस हदीस में नहीं यकीन 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 एक आदमी बावजू था मैं वजू करके आया था मस्जिद में वजू करके आया था नमाज के लिए ये यकीन है शक क्या है हवा खारिज यानी पेट में कुछ तकलीफ ऐसा लग रहा है सुबह हो रहा है हवा खारिज यानी ये शक है तो कब तक ये शक रहेगा दो चीज अल्लाह के रसूल ने बताई आवाज या बदबू हतायस मसोतान और यज दरीन यही लफ्ज़ आखिर में भी आएगा जिसमें बता कि शैतान फूक मारता है इंसान के पायखाने के रास्ते से अतः सबसे पहला और अहम फ़ायदा क्या हुआ कि यकीन शक से जायल नहीं होता या यकीन शक से ख़त्म नहीं होता है यानी यकीन असल में बाकी है शक कमज़ोर है यकीन मस्तहम चीज़ है यकीन मज़बूत चीज़ है जो शक से झायल नहीं होगा हाँ, क्या इस हदीस में पता चला हाँ हवा खारिज होना इन चीजों को मा खराजा मैंने सबीलेन कहते हैं फोका क्या कहते हैं इन चीजों को माँ खाराजा मैंने सबीलेन लेन पीछा व पाकाना के रास्ते से किसी चीज का निकलना इससे वजू टूट जाता है अलबत्ता इस उमूम से फोका का जो कबल मा खराजा मैंने कुछ चीजों को खास किया जाएगा जैसे मनी खारिज हुई तो इस सूरत में उजू नहीं है, बल्कि गुसल वाजिब होगा औरत को हैज आ गया तो टूटेगा, गुसल वाजिब होगा लेकिन हैज की मुद्दत खत्म होने के बाद हैज की मुद्दत खत्म होने के बाद तो यह आम कायदा फोका माराजा मैंने सभी लेकिन उससे ये दो अहम चीजें मुझना होंगी और कुछ इस काली हदीस में कुछ पूछना है तो इस हदीस से नाकद वजू क्या समझ में आया हमको हवा खारिज होना यानी का जो कायदा माखाराजा मैंने सभी उसकी ये अहम दलील है यह हदीस अगली दो हदीसें शर्मगाह के छूने से मुतलिक हैं दोनों हदीसों का मिलाकर मफहूम यह होगा कि शर्मगाह को छूने से वजू टूट जाता है एक हदीस का फहोम है कि शरमगा को छूने से वजू नहीं टूटता दूसरी हदीस का मफहम है कि शरमगा को छूने से वजू टूट जाता है यानी दोनों हदीसों का मफहम मुखालिफ है दोनों हदीसों का मफहम मुखालिफ है तो ऐसी सूरतों में उलमा के कई तरह की तवजीहात तो होती हैं अगर तारीख मालूम है तारीख़ की हदीस कब की है तो नासिख मनसूख की बात भी कुछ उलमा कहते हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि दोनों में तदबीक की सूरत निकाली जाए या जमा की तो जमा और तरजीह की सूरत ऐसी सूरत में दोनों हदीसों पर अमल हो जाता है तो दोनों हदीसों पर जमा की सबसे मशहूर सूरत जो ने बयान की है कि जब बग़ैर हायल के यानी कपड़ा वगैरह के पर्दे के बगैर अगर आदमी छूता है तो वज़ू टूट जाएगा बीच में कपड़ा हायल नहीं है तो वज़ू टूट जाएगा बाद लोगों ने शहवत की बात भी कही है आदमी शहवत के साथ अगर छूता है तो वज़ू टूटेगा बगैर शहवत के नहीं टूटेगा दूसरी चीज़ की जिस तरह नॉम के बारे में नींद के बारे में जो पहली हदीस हम पढ़े थे वहाँ मैंने आपको बताया था नींद बजाते खुद ना किसी वजू नहीं है नींद बजाते खुद ना कद वज़ू नहीं है इसी तरह ये बजाते शर्मा का छूना बजाते खुद ना कद वजू नहीं है लेकिन ये एक सबब बनता है इंसान के शहवत उभरने का जिसकी वजह से मज़ी खारिज हो सकती है या मनी खारिज हो सकती है इसके नतीजे में इसको कहा गया नाकिज वजू है और तो दूसरे हदीस में कहा गया नाकिज वजू नहीं है वो तुम्हारे जिस्म का ही एक टुकड़ा है खुला समझ में आए दोनों हदीसों का राजा यही है कि जब कपड़े के ऊपर से आदमी अपने शर्मगा छूता है तो वजू नहीं टूटेगा बगैर किसी यानी कोई चीज हायल नहीं बीच में तो वजू टूट जाएगा इसी तरह इसी तदबीक या जमा को अक्सर लोगों ने माना है पहली हदीस تلق بن علي ان تلق بن علي ان تلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاه عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بزعة منك اخرجه الخمسة وصحه ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من حديث بسره تلق بن علی کی حدیث وہ کہتے ہیں، قال رجل क्या तर्जुमा होगा एक आदमी ने कहा यानी सवाल किया मसस तो जक्री मैंने अपनी शर्मगा छू ली या ऐसा कहा अवकाल, अवालजुल यमसर हु फिसला आदमी नमाज में अपनी शर्मगा छूता है अलहीजू क्या उस पर वजू होगा सवाल किया किसी आदमी ने अल्लाह के रसूल से कि मैंने अपनी शर्मगा छू ली या आदमी अपनी शर्मगा छूता है? शक है कि ऐसा सवाल किया इस तरह का जब भी आओ के ज़रिए कोई सवाल आता है हदीसों में तो ये चीज़ मुहदसिन की इलमी अमानत पर दलालत करती है कि मामूली सा शुभ हुआ या मामूली सा शक हुआ तो उसको भी बयान कर दिया दोनों में से किसी एक को हजफ नहीं किया या किसी एक को नहीं लिया ऐसा नहीं कहा कि मसस्त वज्रीफ़ इस या सिर्फ ऐसा नहीं कहाजमसकर शक हुआ उसको वैसा बयान कर दिया और हदीस का जो अहम फायदा कि शर्मगा का चूना नाकिज़ वज़ू है जब बीच में कोई चीज़ हायल ना हो अगली हदीस आयशा रजी अल्ला की है अलबत्त ये हदीस जो हम पढ़ने जा रहे हैं आयशा रजी अल्लाह की ये हदीस ज़ईफ़ है जो हकाम बयान किए गए उनमें से सिर्फ एक मफहूम हदीस से साबित होता है बाकी चीज़ों उलमा का कलाम है ए... एक चीज़ जो बयान की गई कि उज़ू वो हदीस से साबित होती जैसा किनों की, की हदीस से हमने पढ़ा अन आयशा रजी अन्ना रसूल सलाम काल मन असाबहु कौफन अव कलस मज़्यन फलफ फल अलाती वालयत कलम अखर जहब नमाजा वज़ा अफा अहमद वग़ैरह आयशा रजी अल्ला कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन असाबहु जो शख्स जो आदमी असाबहु असाब नसीबो का माना पहुँचना लोगों ही माना पहुँचना जिस शख्स को पहुँचे कनि उसको कः आए और रोआफुन किसको कहते हैं नाक से खून आने को नक्सीर बोलते हैं उर्दू में नाक से खून आए औ कलसुन कलसुन मतली या मामूली उल्टी उल्टी ज़्यादा चीज़ें पेट से निकल जाती हैं मतली के बाद मामूली चीज़ें जो निकलती हैं उसको कलसुन कहते हैं हल्की कह 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 सकते हैं आप अव मज्यून या मज़ी इसका तस्करा अली रज़ी उन्हों की हदीस में गुजर चुका जिसमें अली रज़ी अला उन्होंने किन को हुक्म दिया था पूछने का मकदाद को मकदाद को हुक्म दिया था फल यन शरीफ कितनी चीज़ें बयान की कह रुआफ़ यानी नक्सीर कलसुन मामूली कह मजी चार चीज़ें बयान की तो आपने कहा फल यन शरीफ जिसको ये चीज़ें लाक हों कह आए नक्सीर फूटे या मामूली कह आए या मजी आ, खारिज हो जाए फल यन शरीफ तो लौट जाए इन सरफायन इंसरफा कमाना लौटना यह भी अम्र का से गए फल या जाए और वजू करे लौट जाए और वजू करे इससे पता चलता है कि ये चीज़ें नाक़ उजू हैं जो चार चीज़ें हदीस में बयान की गई कहे रुआफ यानी नक्सीर और मजी और कलसुन मामूली कहे। अला सलाते फिर अपनी नमाज पर बिना करे वजू करके आए दो रक़त पढ़ा था दो रक़त छोटी थी दो रक़त मुकम्मल करेगा इस्तीनाफ़ नहीं करेगा इब्ता नहीं करेगा बिना करेगा यही शदीस का मफहम है वह हुआ फिजालिकायत कल्लम लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वो गुफ्तगु नहीं करेगा इस हालत में वह हुआ फिजालिक वो आदमी जिसके साथ ये मसाइल पेश आए कई नक्सर फूटी या मजी ख़ारिज हो गई तो ऐसी सूरतों में उसको वापस जाकर वजू करना है और लेकिन जब वजू के लिए गया इस हालत में किसी से गुफ्तु नहीं करेगा तभी अपनी नमाज पर बिना करेगा बिना का मतलब तीन रकात की नमाज थी एक रकात पढ़ लिया तो बाकी आकर तीन रकात नमाज पढ़ेगा लेकिन शर्त क्या रखी इसके लिए वह लिक या तकल्लम इस हालत में जब वज़ू के लिए गया तो वो गुफ्तु नहीं करेगा किसी से बात नहीं करेगा क्योंकि वो नमाज ही की कैफियत में है अगर गुफ्तगु कर लेता है तो उसको इस्तनाफ़ करने पड़े इब्तदा करनी पड़ेगी पूरी चार रकात पड़नी पड़ेगी यह हदीस का मफहूम है अखर रजो इब्न माजा इस हदीस की तखरीज इब्न माजा ने की लेकिन इस हदीस को उलमा ने ज़ईफ़ करार दिया है तो इस हदीस में जो चार चीज़ें बयान की गई रुआफ कलस मज़ी इनमें से मजी वाली बात पहले गुजर चुकी है तो हम ये कहेंगे कि मज़ी नाक़िज़ वजू है क्योंकि इसकी दलील ये हदीस नहीं कौन सी हदीस दलील होगी अली रज़ी की हदीस जिसमें आपने मकदार को हुक्म दिया आप, सल्वास्य। आप, सल्वास्य। आप सल्वास्य। से मकदाद ने पूछा तो आपने कहा फ़ील ओज़ू इसमें वज़ू है इस हदीस की बिना पर हम नहीं कहें एक मज़ी नाक़ वज़ू है क्योंकि इस हदीस उलमा ने ज़ोफ़ का हुक्म लगाया है ठीक है कुछ पूछना इस हदीस में लफ्जी एतबार से बिना वाली बात समझ में आई इस हदीस में जो बिना की बात कही गई है एक चीज़ होती बिना एक चीज़ होती इस्तेनाफ बिना जैसे चार रकात वाली नमाज थी दो रकात के बाद आदमी को निकलना पड़ रहा है तो बाकी दो रकात पूरी करेगा क्योंकि दो रकात उसकी पहले से ऑलरेडी मौजूद है इस्तेनाफ क्या है फिर नए सिरे से पूरी नमाज मुकम्मल करेगा लेकिन यह हदीस क्या है ज़ईफ़ है उमन कोशिश ये करते हैं कि जो सही हदीस है उसी से मसाइल मुस्बत किए जाएँ इसलिए मैंने क्या बताया इसमें कि मज़ी वाली जो बात है मज़ी को हम के मज़ी नाकद वज़ू है इस हदीस की बिना पर नहीं अली रज़ी उन्होंने की जो हदीस हम पढ़ें उसकी बिना पर आगे जो हदीस आ रही है इसमें दो जानवरों के गोश्त का तस्करा है कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है बरखिलाफ़ बकरी का गोश्त खाने से वज़ू नहीं टूटेगा हम कौन सा बाप पढ़ रहे हैं नवाकिद वजू तो नवाकिद वजू में ऊंट का गोश्त खाना भी है ऊंट का गोश्त खाना नाकिद उजू है यानी इससे वजू टूट जाएगा ठीक है हाँ पढ़िए जाबिर बिन समूरा कहती पढ़िए जईफ़ है उसमें देखिए कितनी चीजें बयान की गई आप बताइए उसमें कितनी चीजें बयान की गई हैं चार चीजें हैं। तो मैंने मसले में किसको बताया कि लोन लेंगे आ हाँ मजी को हम कहेंगे नाकिज है। इस हदीस की बिना पर नहीं आज जो हमने पहली हदीस पढ़ी है आज की पहली हदीस कौन सी थी अली रजी की हदीस जिसमें कहते हैं कुन तो रजुल अमरतुलमकदादा नबी वसल्लम फसा फकाल फील वजू उस हदीस की बिना पर हम कहेंगे मजी ना के है। इस हदीस की बिना पर नहीं समझ में आया जाबी में सम्र खिस पढ़े पढ़िए इन श्वेता इन श्वेता कौन पढ़े हैं क्या नाम है अब्दुल रहीम माशाल्लाह, बेहतर है यह हदीस जाबिर बिन समुरा की है कहते हैं अन नजोल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी ने अल्लाह के रसूल से पूछा ये कौन होंगे रजुल आदमी होंगे सहाबी होंगे रजुल सहाबी होंगे सहाबी के बारे में ना जानना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अल्लाह के रसूल से जो भी पूछता है वो सहाबी होगा नबीम एक आदमी ने अल्लाह के रसूल से यह सवाल किया मिल लुहु मिल गनम गनम का मतलब बकरी क्या बकरी के गोश्त खाने से मैं वजू करूं आपने क्या कहा इन शेत अगर तुम चाहो यह आपका कौल है ये कौली हदीस हुई इन शेत अगर तुम चाहो अगला सवाल साहिल ने किया काल अतवाज़ मिल इबिल क्या ऊंट के गोश्त से मैं वजू करूं यानी उस ऊंट का गोश्त खाया ऊंट का गोश्त खाने के बाद मैं वजू करूं काला नाम आपने फरमाया नाम हाँ अखरज हूँ मुस्लिम इस हदीस की तखरीज इमाम मुस्लिम ने की है इस हदीस में दो जानवरों के ऊंट में फ़र्क किया गया ऊंट के गोश्त से वजू करने का हुक्म दिया गया यानी ऊंट का गोश्त खाना नाक़ वज़ू है बरखिलाफ़ इसके बकरी के गोश्त के बारे में जब साहिल ने पूछा तो आपने कहा इन शेत अगर तुम चाहो तो नाकद वज़ू क्या है इसमें इस हदीस की रूह से ऊंट का गोश्त खाना नाकद वजू है ये इस का अहम फायदा है ऊंट का गोश्त खाना नाकद वजू है